मेथी मुठिया बनाने के लिए सबसे पहले 200 ग्राम बेसन, 200 ग्राम गेहूं का आटा, 200 ग्राम ताज़ी मेथी, और अगर ताज़ी मेथी ना मिले तो इसकी जगह पे आप कसूरी मेथी ले सकते हैं, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट लगभग एक चम्मच, एक हरी मिर्च और एक इंच का टुकड़ा अदरक का मैंने यहाँ पे पीस लिया है, तो पेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। धनिया पाउडर है दो चम्मच, हल्दी पाउडर है आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, एक चम्मच चीनी, गरम मसाला पाउडर है एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं इसको, तीन बड़े चम्मच दही या नींबू का रस ले सकते हैं, सफ़ेद तिल दो चम्मच, और इनको मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया है ऐसे ही ले रहे हैं इनको, नमक टेस्ट के हिसाब से या लगभग आधा चम्मच लगेगा, एक बड़ा चम्मच तेल, और इन सब के अलावा हमें तलने के लिए तेल चाहिए तो वो मैंने कढ़ाई में लिया है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले मेथी, और मेथी को पहले साफ करके अच्छे से धो के छलनी में डाल के एकदम सुखा लेना है इसका पानी, और इसके बाद में डालेंगे मसाले, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, सफ़ेद तिल, हल्दी पाउडर, चीनी, चीनी आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं लेकिन ये गुजराती डिश है तो चीनी उसमें डलती है तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पे, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, एक बार इसको मिक्स करें। और अब डालेंगे बेसन, गेहूं का आटा, मैंने तीनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में ली हैं, बेसन, गेहूं का आटा और हरी मेथी। अच्छे से मिक्स, और अब बीच में इस तरीके से थोड़ी जगह बनाएंगे और तेल डालेंगे और अच्छे से हाथ से अब इसको मिक्स करना है। तेल मिक्स हो गया, अब इसका डो तैयार करेंगे, तो सादा पानी लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालें, और जैसे नॉर्मल हम रोटी के लिए तैयार करते हैं डो हमारा, वैसे ही इसके लिए। सबसे पहले बाइंड करें आटे को, और पानी का ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा डालें। अच्छे से नॉक करते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे दही और नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से, यहाँ पे मैं आधा चम्मच डाल रही हूँ, और अब सबको मिक्स करेंगे। और एक सॉफ्ट डो इसका तैयार कर लेंगे, जैसे रोटी का हम तैयार करते हैं वैसे ही। ये लीजिए डो हमारा तैयार हो गया है, और अब इसको रख देंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक, किसी भी कपड़े से ढक के या प्लेट से ढक के रख सकते हैं।
शुरू करते हैं। सबसे पहले तेल गरम करेंगे, तो गैस ऑन करके तेल रख दिया मैंने कढ़ाई में गरम होने के लिए, और तेल एकदम अच्छा गरम होना चाहिए, जैसे हम पूरी तलते टाइम गरम करते हैं वैसा तेल हमें चाहिए। और जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है अपने मुठिये तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा हाथ के ऊपर तेल लगा लेंगे इस तरीके से, और एक बार आटे को अच्छे से मसल लेंगे, अच्छे से मसलने के बाद में चलिए शुरू करेंगे। थोड़ा सा तेल लगाते रहें ताकि चिपके नहीं, और कोई भी साइज के इस तरीके से सबसे पहले पेड़ा और उसके बाद में इस तरीके से थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे। आप चाहें तो गोल भी रख सकते हैं, लेकिन मुठिया की शेप ये होती है। इस तरीके से बना के और रखते जाएंगे प्लेट में। इस तरीके से सारे मुठिया हमने तैयार कर लिए हैं, और अब इनको डीप फ्राई करते हैं। चलिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका है। इस तरीके से आप हाथ को नज़दीक ले जाएंगे तो हीट का आपको पता चल जाएगा। और अब एक एक करके साइड से डालें मुठिया, और गैस को थोड़ा कम कर देंगे, मीडियम हीट के ऊपर इनको फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक पक जाएं। और एक बार में उतने ही डालें जितने आसानी से आ जाएं कढ़ाई के अंदर, क्योंकि इनको हमें पलटना भी है, पलट पलट के ब्राउन कलर का इनका होने तक हम फ्राई करेंगे। और यहाँ पे मैंने गैस को मीडियम कर दिया है। और जब डालें उसी टाइम कड़छी से इसको ना छेड़ें वरना टूट सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करें, लगभग 1 से 2 मिनट तक। चलिए अब बड़े ही हल्के हाथ से इस तरीके से इनको पलट लेंगे। आराम से इस तरीके से साइड से एकदम करछी से चलाते हुए इनको पलटें। और एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है। लीजिए मेथी मुठी हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, निकाल लेंगे किसी भी अखबार पे या टिश्यू पेपर पे। और इसी तरह से और तैयार कर लेंगे। लीजिए मेथी मुठी हमारे तैयार हो गए हैं, गर्मा गर्म इंजॉय करें किसी भी सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ में।